ल्फ अगर मैं किसी को तो कहती हूँ कि यू तो मैं उससे किस चीज से मुखातिब हूँ मैं उसकी सोल से मुखातिब हूँ वट आई फील कि मैं एक इंसान से जब बात करती हूँ तो क्या मैं उसकी अपेयरेंस से बात कर रही हूँ या मैं उसकी सोल से बात कर रही हूँ सेल्फ इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर सोल अच्छा और वर्थ व्हाट इज वर्थ वर्थ जो है वो किसी चीज की क्यों जरूरी है जानना क्योंकि आप किसी चीज को तब पसंद करते हैं जब भी आपको उसकी वर्थ पता हो जब आपको उसकी वैल्यू पता हो जब आपको उसकी क्वालिटीज का पता हो ठीक है आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप किस चीज को प्रेफर करते हैं उस चीज को प्रेफर करते हैं जिस चीज की कोई वैल्यू है ठीक है और जो वैल्यू है इस दुनिया में एक फैक्ट तो समझ लें स्टार्ट में ही वो फैक्ट ये है कि इस दुनिया में जो नेचुरल चीजें हैं उसके अलावा दुनिया में जिन भी चीजों की वैल्यू है वो वैल्यू खुद क्रिएट की गई है ठीक है ऐसा नहीं है कि अगर एक डायमंड है तो वो डायमंड की जो वैल्यू है वो शुरू से थी नो no. डायमंड की वैल्यू क्रिएट की गई अगर एक ब्रांड है कपड़ों की बात कर लेते हैं जनरली अगर एक ब्रांड है तो वो ब्रांड के कपड़े कपड़े तो कपड़े ही हैं बट वो वैल्यूएबल क्यों है तो वो वैल्यू वो तो कपड़े ही थे लेकिन उनकी वैल्यू तो इसका जा सकता है ठीक हो गया आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछा है कि डू आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ या डू आई इसको सेल्फ को हम सोल से रिप्लेस कर लेते हैं डू आई रिस्पेक्ट माई सोल क्या आप अपनी सोल की रिस्पेक्ट करते हैं मसला कहाँ क्रिएट होता है मसला क्रिएट होता है कि जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट में से सेल्फ को रिप्लेस कर देते हैं लोगों से वो रिप्लेस और हम एक्सपेक्टेशंस लगाने शुरू कर देते हैं जब हमने सेल्फ को खत्म कर दिया तो हमारी जो रिस्पेक्ट है हमारी जो वर्थ है वो किन पर डिपेंड करिए लोगों पर डिपेंड करिए ठीक है लास्ट टाइम जो मैंने एक सेशन किया था तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि जो आपका ब्रेन होता है ये एक डीवीडी प्लेयर की तरह है या सीडी की तरह है, जिस पे आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस पे रिकॉर्ड कर लिया इट्स लाइक अ म्यूजिक अब आपके इर्द गिर्द लोग जो थे एक भी पर्सन ने आपको हर्ट किया या आपको इस तरह से हर्ट किया आपने कहा जी इसने तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया इसका मतलब आप गलत बात कर रहे हैं वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपके अंदर है सोल तो आपके अंदर है वो उसको हर्ट कैसे कर सकता है और यही बात आपने ये एक म्यूजिक था जो आपने अपनी सीडी के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया अब होगा क्या कि जब कभी भी कोई भी पर्सन उससे रिलेटेड लव्स भी आपको बोलेगा तो आपको लगेगा वही वाला म्यूजिक आपके दिमाग में बजने लग जाएगा तो आपको लगेगा कि भाई इसने भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया नेक्स्ट पर्सन के पास जाएंगे अगर वो उससे रिलेटेड कुछ बोलेगा तो इसने भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया इसका मकसद है कि हम लोग जानते ही नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या जो नाम है वही कह रहा है कि वो रिस्पेक्ट जो आप खुद को देते हैं सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्थ। ठीक है सेल्फ रिस्पेक्ट को जानना या अपनी वर्थ को जानना डिस्कवर करना डिस्कवर यूवर्स की बात करूं तो जो हम इंसान हैं ये सब तरह से इसको देखा जा सकता है अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें किसी भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप अपने आप को वर्दी मान रहे हैं और अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं इट्स मीन आप अपने क्रिएटर को जिसने आपको पैदा किया उसको अप्रिशिएट करें और अगर आप खुद को कोस रहे हैं अपने बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि मैं तो यूं ही हूं मेरे में तो ये भी नहीं है लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मैं तो कुछ करती ही नहीं हूं इसका मतलब है कि आप उस बनाने वाले को ब्लेम कर रहे हैं जो तो बहुत गलत है ठीक है और अगेन आप इमोशनली भी खुद ही हर्ट हो रहे हैं पैदा करने वाला आपको खुदा है पालने वाले आपके पेरेंट्स हैं और जिंदगी में एक्सपीरियंस जो आप फेस करते हैं जितनी पेन है वो आप अकेले फेस करते हैं जितनी स्ट्रगल है वो आप अकेले करते हैं वो सारा कुछ करने वाले आप हैं। ये तीन तीन चीजें याद रखनी है अल्लाह ताला की जात जिसने आपको पैदा किया आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाला है और इस स्टेज पे पहुंचा दिया थर्ड आप खुद ये तीन लोगों पे या तीन हस्तियों पे आपकी रिस्पेक्ट

इस्लाम ने भी ये कह दिया है कि आपको वो मिलता है आप वो हैं इस दुनिया में आपके लिए वो है जो आपने गुमान किया अगर तो आपने अपने बारे में अच्छा गुमान कर लिया तो इसका मतलब है कि यू आर वर्ल्ड तो सबसे पहले तो हमें जो आज कॉन्सेप्ट खत्म करना है वो ये खत्म करना है कि रिस्पेक्ट इज नॉट वट पीपल गिव टू यू रिस्पेक्ट इज वाट जो आप खुद को देते ठीक हो गया कभी आप लोगों ने इमेजिन किए कि एक पर्सन जिसने हीरो का हार पहना हुआ है और वो वॉक करके कहीं से जा रहा है ठीक है और वो कहे कि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है जबकि जो दूसरे गुजरने वाले लोग हैं वो उसको देख के दे आर लाइक वो कह रहे हैं कि ये तो यार कितना लाइक like, कीमती आदमी है इस टाइम क्योंकि जो लोग हैं वो आपकी क्वालिटीज को देख रहे हैं वो आपको समझ रहे हैं और वो आपको वो हीरो का हार आपसे खींच के लेके जा सकते हैं बिकॉज उनको पता है उसकी वर्थ क्या है लेकिन आप क्या है आपको पता ही नहीं है मेरी वर्थ क्या है एक से एक एग्जाम्पल मैं देती होती हूँ वो जरूर रिपीट करूंगी आज भी वो एग्जाम्पल इसी तरह है कि जो मैं बताती हूं कि मुश्क होती है मुश्क दुनिया की सबसे महंगी खुशबू महंगी तरीन खुशबू में आती है वो मुश्क जो है वो हिरन की नाफ से निकलती है ठीक है और हिरन को उसकी खुशबू भी आती है लेकिन हिरन सारी जिंदगी उसको दुनिया में ढूंढती रहती है इधर इधर उधर इदर उधर वो कहती है खुशबू कहां से आ रही है उसको समझ नहीं आती है कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है उसको समझ नहीं आती खुशबू कहां से आ रही है उसको पता ही नहीं चलता कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है लेकिन सारी दुनिया उसको यूटिलाइज कर रही होती है उसकी उस खुशबू को निकाला जा रहा है और उसको इतने महंगे दामों पर बेचा जा रहा है लोग उसको बेच बेच के अमीर हो रहे हैं और वो हिरन पे स्टैंड कर रही है कुछ भी नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसकी वर्थ क्या है तो इट्स मीन कि अगर तो आप अपनी वर्थ को खुद नहीं जानेंगे तो फिर आप आपका इस्तेमाल ही होगा फिर आपको लोग यूटिलाइज़ ही करेंगे ठीक है एक चीज क्लियर हो गई सेल्फ वर्थ का अब हमें वाई दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट इसको डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट था अच्छा अब मैंने आपको बताया कि जब आप लोग जब आप लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि मेरी वर्थ क्या है मैं कौन हूं इसके अगर आप अपनी वर्ड जानना चाहते हैं उसके लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा तो खुद को जानने को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ठीक है खुद को जानना यहां पे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं आप लोग यहां पे 83 लोग हैं अगर मैं आप 83 लोगों से पूछूं कि अपने आप को थ्री वर्ड्स में डिफाइन करें डिफाइन योर इन थ्री वर्ड्स जो आप अपने बारे में जानते हैं कोई जानता है या नहीं जानता डजंट मैटर आप अच्छा लिख सकते हैं तो इट्स मीन यू आर अ राइटर ये मैटर नहीं करता कि लोगों को पता है आप राइटर हैं आप अच्छा बोल सकते हैं इट्स मीन यू आर अ स्पीकर लोगों पे डिपेंड नहीं करता कि उनको आप पसंद है या नहीं तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू राइट हियर इन द इनबॉक्स चैट बॉक्स में प्लीज अपने आप को थ्री वर्ड्स में थ्री वर्ड्स से ज्यादा आपने यूज नहीं करने कोई एक सेंटेंस लिख दें कोई वर्ड्स लिख दें three define yourself in three words first gratitude self love and strong A writer speaker and unique speaker listener and thinker all right writer speaker and thinker is it mean three words i said just three words passionate kind and listener that's wonderful funny speaker and overthinker

पॉजिटिव आप लोग जहां भी बैठे हैं आपके इर्द गिर्द कितने भी लोग हैं चाहे आप रूम में अकेले बैठे हैं प्लीज ब्रीथ पॉजिटिव अब ये ब्रीथ पॉजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैंने अपनी कवर फोटो पे भी फेसबुक पे इतना बड़ा सा लगाया हुआ है ब्रीथ पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या है ये मैं इस सेशन के लास्ट पे आपको बताऊंगी लेकिन एक सांस लें जिसमें पॉजिटिविटी बुद्ध पॉजिटिव का मतलब तो यही बनता है इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी प्लीज ब्रीथ पॉजिटिव अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने की That's wonderful. आप को डिफाइन किया है दैट्स वंडरफुल आप लोग करते जाएं जिन लोगों ने लिसनर लिखा है अपनी क्वालिटी में उनको मैं एक चीज बता दूं कि जो एक अच्छा लिसनर है वो एक अच्छा स्पीकर भी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके अंदर एक स्पीकर भी छुपा हुआ है आप वो भी अपनी क्वालिटी के अंदर एड कर सकते हैं क्योंकि स्पीकर बनने के लिए लिसनर होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप सुनते नहीं है आप बोल नहीं सकते यस 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 अच्छा काफी लोगों ने बता दिया बाकी लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती कि आप लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से क्या पता चलेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है खुद को जानना खुद को पहचानना अपने आप को समझना आप क्या हैं कौन हैं, किस लिए बनाए गए हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आप तब जा सकते हैं देखिए अल्लाह ताला ने आपको वो सब चीजें दी हैं जिससे आप अपने आप को पहचान सकें और खुद पे कॉन्फिडेंट रह सकें पहली चीज जब कॉन्फिडेंट रहना होता है या खुद को पहचाना होता है उसके लिए आप सेफ फील करना बहुत जरूरी है कभी आपने फील किया कि आप लोग जब घर होते हैं अपने तो आप ज्यादा अच्छा फील करते हैं जब आप लोग घर से बाहर होते हैं तो आप इतना सेफ फील नहीं करते Uh, ये इमोशनली बात करी इट्स नॉट अबाउट कि आप घर में हैं तो आप दूसरा वाला सेफ फील कर रहे हैं इमोशनली आप बेटर फील करते हैं जब आप अपने घर में आ जाते हैं यू नो वाई बिकॉज वहां पे एक्सेप्टेंस ज्यादा है जब आप घर में हैं तो आपके लिए एक्सेप्टेंस ज्यादा है और दुनिया में हर कोई एक्सेप्टेंस की तलाश कर रहा है कि मुझे एक्सेप्ट कर दिया जाए ठीक है हम एक्सेप्ट होने के लिए बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं हम लोगों के ओपिनियन में यस yes बोल देते हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम लोगों को क्रिटिसाइज किया जाए हमारे आंसर्स के लिए हमें क्वेश्चन किया जाए तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है वो एक्सेप्टेंस अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी दे दी है अल्लाह ने आपको कंप्लीट पैदा किया है आपको एक्सेप्टेंस वाली चीज मिल गई आपका घर आपको मिल गया आपके इर्द गिर्द पेरेंट्स वो लोग जो आपको एक्सेप्ट करते हैं वो आपको मिल गए और आप लोग फिजिकली जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक इंसान को पूरा महसूस करने के लिए वो भी आपको मिल गई वो फिजिकली क्या है घर है खाना है पीना है सही से नींद आती है ऑल दिस देन हम लोग मिस कहां पे कर रहे हैं क्या क्या चीज मिस कर रहे हैं एक्सेप्टेंस को अभी भी हम मिस कर रहे हैं जब हम घर से बाहर जाते हैं हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते लोग कहते हैं भाई चार लोग आ जाते हैं ना मुझसे बोला नहीं जाता मेरी बोलने की कैपेसिटी कम हो जाती है आपको पता है आप लोग सबसे ज्यादा हमारी आवाज़ कब कामती है जब हमारे इर्द गिर्द लोगों की आवाजें बहुत ज्यादा होती हैं जब आपके इर्द गिर्द लोग चीख रहे हों तो आपको पता होता है कि मुझे अब अपनी आवाज सुनानी है और उसके लिए आप ऊंची बोलते हैं और जब आप ऊंची बोलते हैं तो आपकी आवाज कांपती कामती ठीक है तो हमें क्या करना है हमें ऊंची नहीं बोलना हमारे इर्द गिर्द जितना भी क्राउड है हमें उनको नहीं सुनाना है हमारे अंदर हमें पता होना चाहिए हु वी आर एक और चीज अगर मैं क्वेश्चन पूछूं वो ये है कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का आंसर ये होगा कि सक्सेस इज रिलेटेड टू सेफेक्शन आपका ये कॉन्सेप्ट इंतहा मुझे ऐसा लगता है नो no डाउट कि सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है लेकिन सक्सेस सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड नहीं करती सक्सेस इज रिलेटेड टू योर ग्रोथ सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है जितना भी सक्सेसफुल पर्सन हो वो मैं हो जाएगा मैं इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँ सो सक्सेसफुल जिसे हम कहते हैं वो कहेगा मैं इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं तो सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है लेकिन हैप्पीनेस की डेफिनेशन है दुनिया में हैप्पी रहने के लिए अगर मैं आपको सक्सेस की या हैप्पीनेस से रिलेटेड चीजें बताऊं जिनको जिनसे आपको फ्री हो जाना है तो आप लोग अपने आप को लाइट फील करेंगे वो तीन चीजें ठीक है अच्छा लोग आपको कहते हैं मैं उस लारे पे आपको नहीं लगाऊंगी लोग कहेंगे भाई सेटिस्फाइड हो जाओ ठीक है तो फिर तो तुम सक्सेसफुल हो ऐसा नहीं है एक फकीर है वो सड़क पे खड़ा है वो मांग रहा है वो सेटिस्फाइड है तो क्या वो सक्सेसफुल है नो no. जो लोग कहते हैं भाई पैसा कमाना सक्सेस नहीं है तो आपको गलत कह रहे हैं यार ये गलत है concept, कि पैसा कमाना अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं पैसा कमाना आपका गोल है तो पैसा कमाए इसमें कोई बुराई नहीं है ये क्या डिफाइन कर लिया भाई पैसा लो तुम्हारा गोल पैसा कमाना है लो भाई लालची आदमी लालच नहीं है जो जिन लोगों के पास पैसा है जरूरी थोड़ी है उन्होंने लालच से इसका मतलब है दे आर स्किलफुल चीज वो बिकती है जिसकी कीमत होती है दे आर सेलिंग समथिंग चाहे वो अपनी सेल कर रहे चाहे वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे चाहे वो अपना आइडिया सेल कर रहे हैं अगर वो पैसा कमा रहे हैं इसका मतलब वो स्किलफुल है ना कि वो लालची है अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक करें राइट right? तो वो तीन चीजें मैं आपको बताऊं जो बहुत जरूरी हैं अगर तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को पता चले कि हैप्पीनेस किस पर डिपेंड करती है एक तो आप फाइनेंशियली पैसों के तौर पे आप फ्री होने चाहिए आप बाउंडेड नहीं होने चाहिए आप लोग कहते हैं, नहीं जी पैसा नहीं है कोई बात नहीं हम लोग सेटिस्फाइड हैं आप तो सेटिस्फाइड हैं लेकिन जो घर वालों से पैसे ले रहे हैं वो घर वाले परेशान हो रहे हैं ठीक है तो फाइनेंशियली आपको फ्री होना पड़ेगा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाना पड़ेगा आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे अपनी वर्थ को जानना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या स्किल है जिसको मैं सेल कर सकता हूं ठीक है हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्किल रखा है नीड इज टू फाइंड आउट दैट स्किल मैं आपको बताऊं जिंदगी में तीन तीन दिन आपके बहुत जरूरी हैं मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए तीन दिन लाइफ में बहुत जरूरी हैं कौन कौन से वो दिन एक वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए थे दूसरा वो दिन जिस दिन आपने असल में रियालिटी में आपने अपनी सेल्फ वर्थ को जान लिया आपको पता चल गया मेरी क्या वर्थ है उस दिन आप यू विल रॉक दैट डे

क्योंकि आप भी मेरे लेवल के लोग हैं मैं आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी आ, बिल गेट्स की एग्जाम्पल दूं तो आप उसको लाइफ में रिलेट नहीं कर पाएंगे मेरी लाइफ को आप शायद रिलेट कर पाए तो ये थ्री डेज तो इसका मतलब है कि अभी हम दरमियान में हैं एक वो स्टेज हम लोग देख चुके हैं जब हम पैदा हुए थे एक लकी डे हम अपनी जिंदगी में एंजॉय कर चुके हैं उसके लिए अलहमदुल्ला कहें बिकॉज यू आर ब्लेस्ड यू आर कम्प्लीट इमोशनली एंड फिजिकली ठीक है से अलहमदुल्ला खुदाए सेकेंड डे आपकी लाइफ में आने वाला है या शायद आ गया है या शायद आ जाएगा वह दिन कौन सा है जिस दिन आपने अपनी सेल्फ वर्थ को फाइंड आउट कर लिया कि मेरा ये स्किल है मैं ये पर्सन हूं मैं ये कर सकता हूँ मैं ये हूं मेरी वर्थ ये है मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ और हर कोई जमीन से आसमान तक जा सकता है इट डिपेंड्स कि वो कितना ऊंचा उड़ना चाहता है एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस के लिए एक छोटी सी बात करूंगी वो ये है कि हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते एक एक मोटा लड़का है मोटी लड़की है या जैसा भी है फिजिकली अगर बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं हमें लगता है कि लोग हमारी वही क्वालिटी को देख रहे हैं मसला ये है हम अपनी बैड क्वालिटीज को खुद ही रिप्रेजेंट आप वो हैं जो आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बात आज याद कर लें यू आर द पर्सन जो आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे तो आप हम लोग अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट ही नहीं करते मैं मोटी हूं तो मैं जी किसी के सामने जाऊंगी तो उससे बात करूंगी मैं ये सोचूंगी यार वो मेरे मोटापे को ही नोट कर रहा है मैं ये नहीं सोच रही कि यार वो मुझसे नहीं बात कर रहा वो मेरी सोल से बात कर रहा है मुझ, अगर मेरी पर्सनैलिटी अंदर से स्ट्रोंग है तो मेरा अपेरेंस मैटर नहीं करती है यू नीड टू मेक यूर इनर सेल्फ स्ट्रोंग तो इस इस चक्कर में क्या होता है एक कमरे में मैं बैठी हूं अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है अक्सर ऐसा होता है कि आपके सामने चीज पड़ी होती है आपको समझ ही नहीं आता कि वो चीज क्या है आप लोग तो कमरे में से वो चीज ढूंढ के चले जाते हैं मिलती नहीं है इसी तरह लोगों में भी होता है लोग आपसे मिल के चले जाते हैं उनको आपकी बुराई नहीं मिलती लेकिन अगर वही छोटी सी चीज मैं यहाँ बैठी हुई इस कमरे में और मैं छुपाने लग जाऊं अपनी रजाई के अंदर अपने ब्लैंकेट के अंदर किसी जगह पे कोई मेरे सामने आया मैं फटाफट छुपाने लग जाऊं तो उस पर्सन को फौरन पता चलेगा कि शी इज हाइडिंग समथिंग दिस इज वाट वी डू विद आवर साफ यही हम लोग अपनी बैड हैबिट्स के साथ करते हैं हम अगले को खुद बताते हैं उसके सामने ऐसी हरकतें करके कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है ठीक है हम अक्सर कहते हैं ना हम मिले? यार मुझे वो तो उसी टाइम पता चल गया था वो बंदा ऐसा वो कैसे पता चलता है क्योंकि उसने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया कहीं ना कहीं कि मेरे अंदर ये बैड हैबिट या बैड क्वालिटी है कुछ भी है मैं आपको कहती हूँ आप फाइंड आउट करें कि आपके अंदर बैड क्वालिटी क्या है आप फाइंड आउट करें कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है लेकिन उन वीक पॉइंट्स पे काम करने के लिए फाइंड आउट करें अदरवाइज उन्हें छुपाई रहने दें ठीक है तो ये जो हमने हाइडिंग वाला सिस्टम किया है ये हमें अपने आप को प्रेजेंट अच्छा करना है तो हम खुद ही लोग भी हमें अच्छा प्रसिव करेंगे अच्छा अब एक और चीज की तरफ आते हैं फियर्स की तरफ एक्सेप्टेंस की बात हो रही है तो आप अपने आप को एक्सेप्टेंस का मतलब ये है एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है एक्सेप्टेंस का मतलब है आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं या कोई भी आपका चाहने वाला आपकी फ्रेंड आपकी आपके आप किसी रिलेशनशिप में है आपके पेरेंट्स हु अगर आप ये समझते हैं आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं तो आपको उसकी बुराइयों को भी देखना है अगर तो आप उसको उसकी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस अगर आप अच्छी अच्छी चीजें देख के कह रहे हैं यस आई एक्सेप्टेड हर आई एक्सेप्टेड हिम तो फिर तो इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन को थोड़ा सा ठीक करें और आपको सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना है अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी बुराइयों के साथ और आप खुद को तब एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आप अपने फियर्स को एक्सेप्ट करेंगे जब आप अपने फियर्स को एक्सेप्ट करेंगे जिस चीज से आप खौफ खाते हैं इस दुनिया में जो चीज आपको रोकती है आगे बढ़ने से अगर उन फियर्स को आप एक्सेप्ट कर लेंगे और उन पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे फायदा क्या होगा आप ग्रो करने लग जाएंगे तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे आज ये है कि आप लोगों ने अपने फियर्स की एक लिस्ट बनानी है क्या चीजें हैं जो आपको खोप देती हैं? उसमें ये नहीं लिखना want, uh, like, मेरा ये है कि वो क्वालिटीज जो आपके अंदर है फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं बात करना आपके कंट्रोल में है राइट right? लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने बात करने से डरते हैं दिस इज योर फेयर ऑल राइट तो मैं इस सेशन के बाद मैं कोशिश करूंगी जिस ग्रुप ब्रॉडकास्ट में आप लोगों को ऐड किया है वहीं पे मैं एक लिंक शेयर करूंगी मैं एक पोस्ट अपडेट करूंगी ऑन फेसबुक जिसके ऊपर मैं लिखूंगी कि एक्सेप्ट समथिंग लाइक दैट कुछ भी ऐसा कैप्शन उसकी कमेंट्स में जाके आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप लोगों को अपना फियर लिखना है ठीक है ये एक एक्टिविटी होगी जिसके अंदर आपने सारी दुनिया के सामने जाके अपने फियर्स को एक्सेप्ट करना है कि मेरा फियर ये है कि मैं बोलने से डरती हूँ और खाली बोलने से डर ये नहीं लिखना सिर्फ फियर ये है बल्कि उसका सोल्यूशन भी लिखना है नीचे खुद ही सोच के लेकिन आज मैंने ये रियलाइज किया है कि मैंने बोलने से डरना नहीं है और उसका सोल्यूशन लिखना फाइन और एक और रिक्वेस्ट जो भी नीचे कमेंट करे वो ऊपर वाले सब कमेंट्स को पढ़े ठीक है और अगर आपको किसी के किसी फियर का सोल्यूशन पता है तो प्लीज उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें ठीक हो गया तो दो काम करने एक आपने अपना फियर लिखना है और खुद ही उसका सोल्यूशन भी छोटा सा साथ लिखना है कि मैं आज से ये करूंगा इस फियर को दूर करने के लिए और सेकंड आपने दूसरों की भी हेल्प करनी है वो ऐसे करनी है कि ऊपर वाले कमेंट्स पढ़ने हैं और अगर उनमें से कोई एक फियर आपके अंदर है तो आपने लिखना है यस आई फेस द सेम एंड आई डू दिस मेरे अंदर भी यही फियर है लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करने इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसका सोल्यूशन ऐसे फाइंड आउट करता हूँ आप भी ये ट्राई करके देखें तो इसका मतलब होगा लेट्स हेल्प ईच अदर

इसका मतलब है यू आर ब्रीथिंग पॉजिटिव आपके इर्द गिर्द से नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द और आपको पता है जो लोग पॉजिटिव होते हैं आपको पता है ये तो फिजिक्स की साइंस तो सबको पता है कि ऑपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपको ज्यादा नेगेटिव लोग सराउंड करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग आपको सराउंड करेंगे नेगेटिव लोग ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है उनसे घबराना नहीं है आप लोगों को उनको कुछ नहीं कहना उनको क्रिटिसाइज नहीं करना उनको धक्का देके पीछे नहीं करना नो उनको अपने पास आने देना एक्सेप्ट देम टू और अपने आप को इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव बनाना है कि आपका चार्ज उनके चार्ज को कैंसिल कर दे आप इतने पॉजिटिव हों कि उनकी नेगेटिविटी कैंसिल हो जाए आपसे कोई एक बुराई से बोल रहा है तो आपने उसको उल्टा प्यार से बात करनी दिस इज कॉल्ड ब्रीथ पॉजिटिव ठीक हो गया अच्छा ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया एक चीज आ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन दोबारा करती हूँ वो ये है कि आप मुझे बताएं कि व्हाट लाइक like,

लाइक like, राई बहुत बोल्ड है और राई बहुत ज्यादा पोलाइट है ये एक दरमियानी पर्सनैलिटी है जिसको हम मिसना कहते हैं ठीक गया अच्छा बोल्ड कैसे बना जाता है आपके अंदर अल्लाह तला ने ट्रेट्स रखे हैं कुछ खसूसियात रखी है चार खसूसियात का नाम लूंगी आप लोगों ने नोट जरूर करना चार खसूसियात का नाम लेने लगी हूँ आप लोगों ने नोट जरूर करना एक चीज है इम्पल्सिविटी ठीक है इम्पलसीविटी इम्पल्सिविटी क्या होती है वो आपको बाद में बताती हूँ दूसरा ट्रेट है सेल्फ कंट्रोल ठीक है तीसरा ट्रेट है एग्री है? चौथा ट्रेट है कॉन्शियसनेस चार ट्रेट्स पूरे हो गए अच्छा पहला ट्रेट जो मैंने आप लोगों को बताया इंपल्सिविटी उसका मतलब क्या है उसका मतलब है कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह के लोग वो लोग इंपल्सिव होते हैं उनको लगा कि ये चीज बोलनी चाहिए द स्पीक अबाउट दैट थिंग उनको लगा ये काम करना चाहिए दे डू दैट थिंग ये वो ट्रेड है इंपल्सिविटी का ट्रेड उन लोगों में ज्यादा होता है जो बोल्ड होते हैं ठीक है मैं ये आपको नहीं कहूंगी कि आप भी अपने अंदर ये ट्रेड बना लें इफ यू थिंक दैट इट सूट्स यू तो जरूर अपने अंदर बनाए दूसरा ट्रेड है सेल्फ कंट्रोल जब आती है बात सेल्फ कंट्रोल की तो सेल्फ कंट्रोल के अंदर दो चीजें आती हैं जो चीज आपको क्रेव कर रही है उसकी तरफ आप कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं और दूसरी चीज जो है वो आपका टॉलरेंस जो है लेवल है ठीक है ये दो चीजें आती हैं सेल्फ कंट्रोल के अंदर जो लोग तो बोल्ड होते हैं उनके अंदर इंपल्सिविटी रेट बहुत हाई होता है ठीक है अब आपने अपने आप अप पर्सनालिटी को खुद ही मैयर कर लेना कि मैं कितना बोल्ड हूं या मेरी इंपल्सिविटी रेट कितना है कि मैं कितना रिएक्ट करता हूँ चीजों पे या कितना जो है मैं अः uh, एक्ट कर देता हूँ विदाउट थिंकिंग दूसरा आ गया सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल भी मैंने आपको दो चीजें बता दी उसके अंदर आप जिस चीज की तरफ आप जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है क्या आप में इतना कंट्रोल है कि आप उस चीज की अः uh, उस चीज की तरफ जाने से खुद को रोक सकते हैं ठीक है अगर आप ये आप छोटी छोटी एक्टिविटीज से अपने आप को अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके अंदर कौन से ट्रेड ज्यादा है थर्ड थिंग जो है एग्री एबलनेस एग्री एबलते हैं किसी के हाँ हाँ आप लोगों को एक और बात बता दू आप लोग इस ट्रेड ये ट्रेड पॉजिटिव भी हो सकता है ये ट्रेड नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन ये ट्रेड नेगेटिव जो लोग स्ट्रॉन्ग लो पर्सनैलिटी वाले होते हैं उनका एग्री एबिलिटी का रेट कम होता है ठीक है वो दूसरों से एग्री करते हैं लेकिन जहां पे गलत लगता है वहां गलत मानते हैं तो ये ट्रेड जो सोल्जर्स होते हैं हमारी आर्मी के अंदर ये ट्रेड बहुत देखा जाता है कि वो लोगों में ये ट्रेड बहुत कम होता है दे डोंट एग्री टू एवरी ठीक है जो क्रिटिक्स हैं आपने देखा होगा जो क्रिटिक्स हैं जो मोस्टली एंकर्स भी होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं उनके अंदर भी एग्री एबलनेस का ट्रेड बहुत कम होता है एंड द थर्ड थिंग इज द साइंटिस्ट साइंटिस्ट भी चीजों को एग्री कम करते हैं और उनको चैलेंज ज्यादा तो अः हम लोग जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स की बात कर रहे थे तो आप लोगों को क्योंकि अपनी सेल्फ वर्थ को जानना है तो आपको अपनी पर्सनालिटी को जानना पड़ेगा यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो वो कैटेगरीज कोई रिपीट कर सकता है जो लोग पहले थे कि वो कौन सी तीन मैंने आपको कैटेगरीज बनाई बताई हैं एक तो मैंने आपको बताया कि जो लोग बोल्ड होते हैं और एक मैंने बताया बोल्ड वो लोग होते हैं जिनका इम्पल्सिविटी रेट हाई होता है ठीक है सेकेंड ट्रेड मैंने आपको जो बताया, जो बताया है, वो लोग दरमियाना वाला नहीं बताऊंगी तीसरा जो ट्रेड वो बताया वो पोलाइट लोग होते हैं ठीक है जो थोड़ा कम बोलते हैं जो जिनमें सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होते तीसरा ट्रेड कौन सा था तीसरे लोग कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं निस्में लोग <laughs> लोग <laughs> या मिसने लोग वो दरमियानी कैटेगरी में फॉल करते हैं ना वो ना ही पोलाइटनेस में आते हैं और ना ही वो जो है बोल्ड में आते हैं वो मिसने होते हैं उनको जहां पे लगता है कि लेट्स डू डू समथिंग समथिंग दे और जहां पे लगता है कि नहीं नहीं इधर चुप रहना चाहिए वहां पे वो चुप रह लेते हैं दे आर द पीपल ओके अब आपको फाइंड आउट करना है कि आप मिसने हैं या आप बोल्ड हैं या आप जो है वो पोलाइट हैं तो चार्ट ट्रेड मैंने आपको बता दिए इंपल्सिविटी सेल्फ कंट्रोल तो मैं आपको एग्री एबलनेस की बात करी थी कि एग्री एबलनेस की क्वालिटी जो सोल्जर्स होते हैं हमारी आर्मी होती है, होती है है उनके अंदर ये क्वालिटी कम आपको मयूर करना है आप में कितनी है, आप कितना यस yes यस -yes करते हैं दूसरा आप क्रिटिक्स जो होते हैं या न्यूज़पेपर या जहां भी जो लोग आते हैं जो लोग क्रिटिक्स uh, होते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बात करी नेगेटिव क्रिटिसिज्म की नहीं क्रिटिक्स जो होते हैं उनमें भी एक्सेप्टेंस की या एग्रीएबिलिटी की क्वालिटी लाइक दे वांट टू टेस्ट न्यू थिंग्स दे वांट टू डिस्कवर न्यू थिंग्स ठीक हो गया तो अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि आप कहाँ फॉल करते हैं और आप मुझे जरूर बताएंगे ठीक हो गया अब हम इसको एंड की तरफ आ रहे हैं तो मैं आपको जो लास्ट स्पेशल आपको क्या चीज छोटी सी एक uh, एक लड़की की जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ वो लड़की व्हेन चला कि स्टार्ट स्टार्ट में आ, उनको लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत कम मिली जो इर्द गिर्द का माहौल था उससे एक्सेप्टेंस बहुत कम मिली और जो उनकी नेचर थी वो नेचर थी समथिंग डिफरेंट और लोग उनको वो absorb, वो क्रिटिसाइज भी करते थे वो वो उसको stop करने की कोशिश करते थे। आपको no, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना करना चाहिए, चाहिए। और जब वो उस चीज को नो कहती थी, कि मैंने तो ये नहीं करना मुझे तो ये करना है मेरी तो ये उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था उनको बदतमीज भी कहा जाता था अब जब वो ग्रो करने लगी जब उनके इर्द गिर्द से उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी <coughs> तो दे वॉन्टेड टू गेट लाइक एक्सेप्टेड तो वो जब बा, बाहर के मन में निकली तो उन्होंने शायद मेरे फ्रेंड्स मुझे करने फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट को जो है वो फ्रेंड्स बनाने शुरू कर दिए फ्रेंड्स बनाए एक फ्रेंड बनाए दो बनाए तीन बनाए चार अगेन फ्रेंड्स में भी जहां तक आ, आ, जो है वो आपको रिजेक्ट किया और ऐसा कहना शुरू कर दिया उन्होंने कहा चलो कैरियर बनाते हैं जब करियर बनाने की बारी आई जॉब स्टार्ट की और उधर भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा यूनिवर्सिटी में आके अगेन सोचा कि यार अब मेच्योर हो गए अब फ्रेंड्स बनाते हैं मेच्योर फ्रेंड्स मिलेंगे शायद आपको ग्रो करने में हेल्प करें अच्छा तो उन्होंने कहा कि चलो यूनिवर्सिटी में आ गए मेच्योर हो गए शायद इधर मेच्योर फ्रेंड्स मिलेंगे शायद वो ग्रोथ में हेल्प करें

इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के और सोचा कि अब तो मैंने ग्रो करना है नाउ आई फाउंड द राइट फ्रेंड्स अब तो मैं बस पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊ लेकिन एक दिन क्या हुआ उन फ्रेंड्स से भी धोखा खाया वो जो मेच्योर फ्रेंड्स थे उनसे भी धोखा खाया और जिस दिन उन लोगों से धोखा खाया शायद उस दिन उसने अपनी सेल्फ वर्थ को जाना उसको लगा कि दुनिया में तो भाई मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करना लेकिन मुझे कोई तो चाहिए जो मुझसे प्यार करे कोई तो चाहिए जो मुझे एक्सेप्ट करे तो वो कोई कौन है दैट डे शी और सोचना शुरू किया कि मैं किस बंदे से बात करूं जो मुझे सुने जो मेरे इमोशंस को फील करे जो मेरी पेन को फील करे दैट डे शी टॉक टू हर उसने खुद से बात करके देखी बिकॉज कोई सुनने वाला नहीं था मीन यू आर टॉकिंग टू योर लॉट जिसने आपको जो आपका क्रिएटर है आप उससे बात करें क्योंकि आपकी सेल्फ अर्थ किससे बिलोंग करती है आपके क्रिएटर से आप खुद को अप्रीशिएट का शुक्र अदा करें दिस इज काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड जब आप अपने आप को अप्रीशिएट करते हैं तो उसने अपने आप से बात की और उसने पूछा कि नो वन नो वन इज देयर कि मुझे सुने मुझे एक्सेप्ट करे द वे आई एम

और वही जो करना चाहती है वो कर सकती है और उसका दिल भी चाहता है और वही खुद को एक्सेप्ट भी करती है खुद की सुनती भी है उस पावरफुल फॉर्मूले को जान लिया जिसने उसकी ग्रोथ में हेल्प करनी थी उसको पता चला कि ये सारी दुनिया में वो ढूंढती रही अपने फ्रेंड्स में ढूंढती रही फैमिली में ढूंढती रही लोगों में ढूंढती रही चीजों में ढूंढती रही और वो चीज तो उसके अंदर ही थी वो तो उसकी अपनी सेल्फ थी वो तो इसका मतलब है लोग उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे उसने तो खुद को ही डिसरिस्पेक्ट किया हुआ था इसका मतलब है लोग उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे थे वो खुद को रिजेक्ट करके चल रही थी इतने टाइम से दैट डे शी रियलाइज अब मुझे ग्रो करना है और आई विल नॉट केयर अबाउट एनी वन because i have realized myself worth, who i am, what i want to be, and what i can do. or that girl was me. and seriously, this happened to me when i was in the last year of my university. i wanted to accept myself. i wanted to get accepted by others. आई वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स एंड आज वो दिन आ गया आई है सर्कल बट आई डोंट है माई साफ अगर अल्लाह की ज़ात मेरे साथ आई कैन डू एनी थिंग तो अलहमदुल्ला दो चीज़ें मैं अचीव कर चुकी हूँ एक वो दिन मैं अपनी लाइफ में अचीव कर चुकी हूँ जिस दिन मैं पैदा हुई थी वो द लकी डे सेकेंड द लकी डे

रियलाइज कि आप कौन है तो हु मेक यू स्पेशल नॉट द पीपल अराउंड यू ना कि वो कपड़े जो आप पहनते हैं अगर आपको ये लगता है ना कि ये कपड़े मैं पहनूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा तो इसका मतलब है कि वो कपड़े रहूंगा इससे मैं अच्छा लगूंगा तो वो काम अच्छा है आप अच्छे नहीं है तो डोंट वर्क ऑन दैट कपड़े डोंट वर्क ऑन दैट काम वर्क ऑन यूर सेल्फ एंड मेक यूर सेल्फ अच्छा सो डैट पीपल कैन एक्सेप्ट यू ना चाहते हुए भी वो आपको एक्सेप्ट करें सो डैट यू कैन एक्सेप्ट यूर सेल्फ सो डैट यू कैन मेक यूर पेरेंट्स प्राउड सो डैट यू कैन रिवाइज योर सेल्फ वर्थ एंड फॉर टूडे आई गेट सो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता चला होगा अबाउट योर पर्सनैलिटी आज जो चीजें हमने कवर की हैं उसमें हमने सेल्फ और वर्थ की वैल्यू जानी हमने ग्रेटिट्यूड की वैल्यू अब एक्टिविटी जो है वो लास्ट पे यही है I'm gonna update status on Facebook, जिस पे आप लोगों ने जाके लाइफ में जो आपके हैं हैं लिखने कि माय बिगेस्ट फियर इज दिस है चाहे दस है और खुद ही उसका सोल्यूशन भी लिखना है यू कैन टेक टाइम कोई जरूरी नहीं है अभी जाके आपने कमेंट कर देना यू कैन टेक टाइम आप लोग टाइम लें अपने बारे में सोचें एक लिस्ट बनाए फिर उन लिस्ट में से उन चीजों को आठ काट दें जो फियर दूसरों की वजह से ठीक है और वो जो आपके अंदर हैं जिनको आप ओवरकम करना चाहते हैं वो आपने टीचर मैं आपको जो चीजें बताऊंगी थोड़ी देर के लिए समझ आएंगी अप लेकिन जो काम आप अपने आप को खुद बताते हैं जो लेसन आप खुद को समझाते हैं वो कभी भूल नीड टू नरिश सोल अपने आप को लेसन देना है एक फियर दो फियर दस फियर उस कमेंट में, में मेंशन करने ऊपर वाले लोगों के कमेंट भी पढ़ने ताकि आप उनको हेल्प कर सके सो दैट दे कैन ब्रीथ पॉजिटिव ठीक है उनके फियर्स को ओवरकम करने में अगर आप भी सेम फियर कोई भी एग्जिस्ट करता है आपके अंदर जो लोगों ने फियर अपने जाहिर किए हैं तो आपने लिखना है यस आई फेस द सेम फियर ताकि वो बंदा अकेला फील ना करे कि सिर्फ मैं ही हूं नू आपने बताना है कि मैंने भी यही फियर फेस किया लेकिन मैंने इसको ऐसे ओवरकम किया उसको सोल्यूशन भी दे देना आप ठीक है दिस इज द वे वी कैन ब्रीथ पॉजिटिव वी कैन स्प्रेड पॉजिटिविटी वी कैन हेल्प टू ग्रो एंड दैट्स ऑल ये जो सेशन करने का मकसद मेरा सिर्फ इतना होता है आई कैन शेयर वट आई फेस्ड आई कैन शेयर वट आई रियलाइज इन माई लाइफ ठीक है मेरे लिहाज से लीडर वो नहीं होता जो आपको कहे ये कर लें जो आप करना चाहते हैं आपको उसमें हेल्प करें मेरे लिहाज से लीडर वो होता है जो काम आप ना भी करना चाहें लेकिन आपको करने चाहिए आपकी लाइफ में उन काम को करने में आपकी हेल्प करें तो आपकी लाइफ में फियर्स हैं आप लोग अपने अच्छे पार्ट को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन आप लोग अपने बुरे पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लेकिन जब तक आप बुरे पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आएगी सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो यू कॉन्ट ग्रो तो इसलिए आज अपने फियर्स को एक्सेप्ट करें एंड लेट्स ग्रो टूगेदर थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी और यू कैन डिस्कस विद मी लेटर आई होप इससे आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा कुछ ना कुछ तो सीखा होगा थैंक यू सो मच अगेन किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं और अगर नहीं है वो मैं पांच से दस मिनट में अपडेट कर दूंगी सो यू गोट योर फियर्स मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने फियर्स वहां मेंशन कर दिए और अपने मेरा मेरा बोलने का, का, टाइम देने अपनी एनर्जी देने का अपनी स्टोरी शेयर करने का आपसे जो मेरा मकसद था वो म, मकसद पूरा हो गया और आप लोगों ने कुछ सीख लिया आप लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई तो आई वॉन्ट यू गाइज प्लीज मैं योर फेयर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर लेट्स ब्रीथ पॉजिटिव